कितने दिनों से सर आप गया जिले में नौकरी कर रहे हैं? पिछले साल जुलाई से हैं। एक साल लगभग हो चुका है सर, उसके बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। डीएम साहब इतना फटकार लगाए आपको और आपके कर्मचारी को, वहाँ पर सर सही से आपका आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। आप बोल रहे हैं कि हम समस्या का समाधान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुखिया जी लोग यहाँ पे क्लियर खड़ी हैं। फतेहपुर का कोई ऐसा एक इलाका बता दीजिए, कोई ऐसा नहीं सर सुन लीजिए हमारी बात, फतेहपुर का कोई ऐसा पंचायत बता दीजिए आप जहाँ सभी वार्डों में पानी सही रूप से मिल रहा है, कोई एक पंचायत का नाम बताइए हमको। जयपुर में मिल रहा है, ऐसा क्या जयपुर में था कि मिल रहा है, बाकी जगह क्यों नहीं मिल रहा है? प्रत्येक जगह मिल रहा है। आप तो FIR करने की बात कहें डीएम साहब, इतना बात अगर वो संतुष्ट होते तो FIR करने की बात ही नहीं करता आपके ऊपर। आप अभी बोल रहे हैं कि सब जगह काम हो रहा है, जिम्मेदारी को समझिए आप लोग, ठीक है? ठीक। आपके घर में AC और कूलर और RO का पानी मिलता होगा, गरीब को नहीं मिलता है, 2 किलोमीटर दूर जाते हैं पानी लाने के लिए, ठीक है? कभी 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लेके आए हैं सर आप? कभी 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लेके आए हैं? ये किस तरह का क्वेश्चन सर? ये गरीब लोग लेकर आते हैं सर, इसलिए आपको बता। नहीं नहीं, जो समस्या का निदान हम कर सकते हैं वो किए हैं। अच्छा, ठीक है। और वो आप यहाँ की जनता से क्या वादा करते हैं, कितना दिन में सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा सर, समय बताइएगा। जो भी समस्या हमारे पास बताया गया है उसका निश्चित समय सीमा के अंदर हम लोग समाधान करने का कोशिश कर रहे हैं और किए भी हैं। कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? बिल्कुल जारी किया गया, चापाकल मरम्मती के लिए बिल्कुल जारी किया गया है। आपका पर्सनल नंबर लोगों को नहीं मिल सकता है? बिल्कुल मिला हुआ, बताइए नंबर बता दीजिए ना सर एक बार। हमारे पास फोन आता है, नंबर बता दीजिए 8544286649। क्या सर ऑथोराइज नहीं है सर? जिसके लिए आप ऑथोराइज हैं, आपको काम मिला है आपको कि नल जल की समस्या देखना है, क्या समस्या सही से फतेहपुर में निदान हो गया है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। आप सर उस काम को भी सही से नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं मीडिया से बात नहीं। नहीं, नहीं। कौन सा काम? अगर नल जल का जहाँ जहाँ पे हमारे पास समस्या आया है हम उसका निदान कर रहे हैं, बहुत जगह करवाए भी हैं। अभी हमारे पास कुछ जगह बोरफेल और लोड डिस्चार्ज का समस्या आया है, ठीक है, जिसको कि एक एक जगह पे हम लोग 3-3, 4-4, 5-5 बोरिंग किए हैं और वहाँ पे बोरफेल हो जा रहा है। तो अभी जो मीटिंग हुआ है उसमें भी माननीय मुखिया जी लोगों से भी वार्ता हुई है, जिसमें उनके द्वारा भी बताया गया कि सर लोकेशन हम लोगों के पास में आइडिया है, वहाँ पे आप अगर बोरिंग करेंगे तो वहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। तो उसको भी कोऑर्डिनेट करके हम लोग आने वाले विगत 2 दिन के अंदर वहाँ पे बोरिंग करवा करके और उसको सफल करने का कोशिश कर रहे हैं। कितने दिनों से सर आप गया जिले में नौकरी कर रहे हैं? पिछले साल जुलाई से हैं। एक साल लगभग हो चुका है सर, उसके बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। डीएम साहब इतना फटकार लगाए आपको और आपके कर्मचारी को, वहाँ पर सर सही से आपका आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। आप बोल रहे हैं कि हम समस्या का समाधान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुखिया जी लोग यहाँ पे क्लियर खड़ी हैं। फतेहपुर का कोई ऐसा एक इलाका बता दीजिए, कोई ऐसा नहीं सर सुन लीजिए हमारी बात, फतेहपुर का कोई ऐसा पंचायत बता दीजिए आप जहाँ सभी वार्डों में पानी सही रूप से मिल रहा है, कोई एक पंचायत का नाम बताइए हमको। ये है ना जयपुर है, बता रहे हैं हमारे सभी जगह पानी मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। कहाँ है जयपुर के मुखिया जी? सभी जगह, एक जगह दिक्कत नहीं है? नहीं, जो भी दिक्कत है तो डिविएशन वाला पार्ट है। जयपुर में मिल रहा है, ऐसा क्या जयपुर में था कि मिल रहा है, बाकी जगह क्यों नहीं मिल रहा है? प्रत्येक जगह मिल रहा है। आप पर तो FIR करने की बात कहें डीएम साहब, इतना बात अगर वो संतुष्ट होते तो FIR करने की बात ही नहीं करता आपके ऊपर। आप अभी बोल रहे हैं कि सब जगह काम हो रहा है, जिम्मेदारी को समझिए आप लोग, ठीक है? ठीक। आपके घर में AC और कूलर और RO का पानी मिलता होगा, गरीब को नहीं मिलता है, 2 किलोमीटर दूर जाते हैं पानी लाने के लिए, ठीक है? पत्रकार महोदय, देखिए पानी का इतना समस्या है और जो है इसे पहाड़ी इलाका है, हम जो है इसे हमारे यहाँ जो गया से 40 किलोमीटर दूरी शहर घाटी है और शहर घाटी प्रमंडल में हम लोग के जो है फतेहपुर को कर दिया गया है। 19 में लॉकडाउन में जो है इसे चापाकल उखाड़ा गया, लेकिन आज तक उसको लगाया गया या नहीं, हमने जो है इसे PAD को वहाँ दिया और वह फिर जो है इसे निराला जी से विवाद किए, लेकिन आज तक वह चापाकल नहीं लगा। सर आपका परिचय क्या था? आपका परिचय क्या? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PhD सरघाट। कभी 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लेके आए हैं सर आप? हाँ, कभी 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लेके आए हैं? ये किस तरह का क्वेश्चन सर? ये गरीब लोग लेकर आते हैं सर, इसलिए आपको बता। नहीं नहीं, जो समस्या का निदान हम कर सकते हैं वो किए हैं। अच्छा, ठीक है। और वो आप यहाँ की जनता से क्या वादा करते हैं, कितना दिन में सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा सर, समय बताइएगा। जो भी समस्या हमारे पास बताया गया है उसका निश्चित समय सीमा के अंदर हम लोग समाधान करने का कोशिश कर रहे हैं और किए भी हैं। कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? बिल्कुल जारी किया गया, चापाकल मरम्मती के लिए बिल्कुल जारी किया गया है। आपका पर्सनल नंबर लोगों को नहीं मिल सकता है? बिल्कुल मिला हुआ, बताइए नंबर बता दीजिए ना सर एक बार। हमारे पास फोन आता है, नंबर बता दीजिए 8544286649। नाम? विकास कुमार। और कौन सा अधिकारी हैं आप? अभी तो आप पूछे ना, कार्यपालक अभियंता PhD सर। बहुत बहुत धन्यवाद, गुस्सा होने की बात नहीं, हमारा काम है सवाल करना। सवाल आप बिल्कुल करते रहिए, ठीक है, और मेरा काम है उसका निदान करना, हम निदान कर रहे हैं। चलिए ठीक है, डीएम साहब आएंगे 15 दिन बाद, हम भी यहीं पर रहेंगे, हम भी आएंगे 15 दिन बाद। तो ये स्थिति है फतेहपुर की, फतेहपुर में पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ कि हर जगह सुखाड़ है, पानी नहीं मिल रहा है और ये लोग अधिकारी लोग हैं, आते हैं जवाब देते हैं और बैठ कर चले जाते हैं। धन्यवाद, मेरा काम था सवाल करना, मैंने सवाल किया। आप देख रहे थे मगध बुलंदवाज और मैं हूं समर राठौर, मेरे साथ बोका मौजूद है।